बहुत समय पहले की बात है, शिवपुर नामक गांव में शिवानी अपने पिता कुणाल और माँ श्वेता के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। शिवानी के पिता एक मजदूर थे जो अपने गांव में ही मजदूरी किया करते थे और जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन कोई दूसरा काम ढूंढकर काम कर लिया करते थे, चाहे वो खेती का हो या फिर साफ सफाई का। मजदूरी करके कुणाल को इतना फायदा नहीं होता था जिससे वो अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा सके, क्योंकि गांव के सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करती थी। इसलिए कुणाल अपनी बेटी शिवानी को गांव के सरकारी स्कूलों में नहीं भेजता था। कुणाल दिन रात मेहनत करने के बाद भी इतना कमा नहीं पा रहा था कि वो अपना घर बार चला सके और साथ में अपनी बेटी को भी अच्छा एडमिशन दिलवा सके। और ऐसे ही एक दिन शिवानी की माँ श्वेता अपने पति कुणाल से कहती है, इस महंगाई के दौर में मुझे लगता है कि हम दोनों को काम करना चाहिए ताकि हम अपनी बेटी का भविष्य अच्छा कर सके, क्योंकि जो मुश्किल वक्त हमने देखा हम दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी भी उस मुश्किल वक्त से गुजरे। हाँ सही कह रही हो तुम, पढ़ लिख लेगी तो अपना खुद का काम शुरू कर पाएगी और अच्छा कमा सकेगी। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत करो, हमारी बेटी जरूर अच्छे स्कूल में पढ़ने जाया करेगी। मैं कल ही गांव के प्रधान के पास जाऊंगी ताकि वो मुझे कोई हल्का फुल्का साफ सफाई का काम दे दे। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के भविष्य के लिए बहुत चिंतित होती हैं और दोनों ही काम करने के लिए सोचते हैं। और अगले दिन श्वेता गांव के प्रधान के यहाँ आ जाती है और कहती है, नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते, आज कैसे आना हुआ? राशन पानी में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं प्रधान जी, मैं अपनी बेटी का किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ, क्योंकि गांव के सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो मैं अपनी बेटी को देना चाह रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश का महत्व बहुत हो जाएगा और गांव के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश तो दूर की बात, ढंग से पढ़ाते तक नहीं है। गांव के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं और जब तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो तुम अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा पाओगी? प्रधान जी, हम दोनों पति पत्नी काम करके अपनी बेटी के भविष्य के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बताओ तुम किस काम से आई थी? प्रधान जी, आपकी हवेली में साफ सफाई का काम करना चाहती हूँ। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपनी हवेली में साफ सफाई का काम दे दे। ठीक है, तुम कल से हमारे यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें केवल महीने के 3,000 रुपए ही दे पाऊंगा। श्वेता को काम तो मिल जाता है लेकिन गांव का लालची प्रधान श्वेता को बहुत कम पैसों में नौकरी देता है और अपनी बेटी के भविष्य के लिए श्वेता प्रधान को हाँ कह देती है और काम पर अगले दिन चली जाती है। श्वेता प्रधान की हवेली पहुंचती है तो नौकर द्वारा श्वेता काम को अच्छे से समझ लेती है और काम में लग जाती है। पूरा दिन अच्छे से काम करके श्वेता अपने घर वापस चली जाती है और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और श्वेता अपने काम को लगन और मेहनत के साथ करती है। इतनी मेहनत और लगन के साथ श्वेता को काम करता देख गांव का प्रधान श्वेता के काम से बहुत प्रसन्न होता है और उसे 2 महीने बाद दुगनी सैलरी देने लगता है, जिससे श्वेता और कुणाल दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब श्वेता की सैलरी 6,000 हो जाती है और इस तरह श्वेता और कुणाल 4 महीनों में अच्छा खासा पैसा जोड़ लेते हैं और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फॉर्म निकलते ही अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कर देते हैं। शिवानी एडमिशन के बाद 15 दिन बाद स्कूल जाने लगती है और शिवानी अपने क्लास फर्स्ट में पहुंचती है और वहां देखती है कि बहुत अच्छे बच्चे उसके क्लास में होते हैं जो इंग्लिश में बातें करते हैं। ये सब देख शिवानी बहुत खुश होती है और अपने कुछ अच्छे दोस्त बनाती है। आज मेरा पहला दिन है, इससे पहले मैंने कभी इतना अच्छा स्कूल नहीं देखा। हाँ शिवानी, मैं भी तुम्हारे गांव के पास टिकरी कलान से आया हूँ,
मैंने भी कभी इतना बड़ा स्कूल नहीं देखा, क्योंकि हमारे गांव में तो छोटे छोटे स्कूल होते हैं। मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में कराया है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अब हम दोनों दोस्त हैं, शिवानी और हम खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पूरा दिन शिवानी अपने दोस्त बनाती है और उनमें से सबसे अच्छा दोस्त उसका भव्य बनता है। स्कूल के बाद शिवानी और भव्य दोनों अपने अपने पेरेंट्स के साथ घर चले जाते हैं और इस तरह शिवानी एक अच्छे स्कूल में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। लेकिन शिवानी के घर के पड़ोस में रहने वाली सुलेखा शिवानी को प्राइवेट स्कूल में जाता देख बहुत जलती है और वो गांव के प्रधान के पास पहुंचकर शिवानी की माँ की चुगली कर देती है। नमस्ते प्रधान जी, मैंने सुना है कि आपने गांव के श्वेता नाम की औरत को अपने यहाँ पर काम पर रखा है। हाँ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही रखा है उसे, वो बहुत अच्छा काम करती है। मैंने सुना है कि श्वेता एक चालाक औरत है और वो जहाँ भी साफ सफाई का काम करने जाती है वहाँ सच में साफ सफाई ही कराती है। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ आई, तुम मुझे जरा साफ साफ शब्दों में समझाओ। पिछले जिन घरों में श्वेता ने काम किया है उन घरों में लोगों के पैसे और जेवरात गायब हो जाते हैं। आप भी अपनी हवेली में चेक कर लो, कहीं आपके यहाँ पर भी जेवरात या पैसे गायब ना हो गए हो। मेरे घर में श्वेता कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रहती है और खासकर मेरी अलमारी मेरे ही कमरे में रहती है, और अगर तुम इतना कहती हो तो मैं उसे कल ही काम से निकाल देता हूँ। सुलेखा एक बहुत जलन घोर औरत थी जिससे शिवानी का प्राइवेट स्कूल में जाना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रधान के यहाँ झूठ बोलकर श्वेता को बदनाम कर दिया और उसकी जॉब भी खा ली। अगले दिन जब श्वेता काम पर जाती है तो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर सीधा काम पर चली जाती है। स्कूल छोड़ने की वजह से थोड़ा लेट पहुँचती है और तभी प्रधान उससे कहता है, आ गई चोरनी, तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि तूने जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ वहाँ पैसे और जेवरात भी चोरी किए हैं। क्या तूने यहाँ पर भी ये हरकत करी है? सच सच बता दे, क्योंकि अगर तेरे जाने के बाद यहाँ पर पता चला कि कुछ भी गायब है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रही हो प्रधान जी, मेरी ये पहली जॉब है, मैंने इससे पहले कहीं भी काम नहीं किया और आपको ये किसने कहा कि मैं एक चोरनी हूँ? तुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुझे इस जॉब से निकाल रहा हूँ। प्रधान जी ऐसा ना करें, आपकी वजह से मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले पाई है और हमने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में भेजा है। आपकी बदौलत मेरा घर चल रहा है, मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा ना करें। प्रधान श्वेता की एक बात नहीं सुनता और सुलेखा की भरी हुई चुगलियां प्रधान के कान में चल रही होती है, जिसके कारण प्रधान श्वेता को जॉब से निकाल देता है। जॉब से निकालने के बाद श्वेता वापस से घर पर रहने लगती है और एक महीने बाद पैसों की किल्लत हो जाती है, जिसके कारण कुणाल और श्वेता दोनों ही स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद शिवानी की फीस ना आने के कारण शिवानी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर शिवानी भी घर में पहले की तरह रहने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अभी ही तो उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी और अचानक ही किसी की बुरी नजर लग गई, जिसके कारण वो वापस से पढ़ाई से हाथ धो बैठती है। परेशान होकर श्वेता नदी के पास चली जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। आखिर किसने मेरी झूठी चुगली प्रधान से करी होगी? मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने और मेरे पति ने एक सपना देखा था कि अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। श्वेता ये सब बोलकर रो ही रही होती है कि तभी अचानक नदी के पास खड़े पेड़ से आवाज आती है, रो मत बेटी, सब समस्या का हल होता है। कौन है यहाँ? कौन है? मुझे देख क्यों नहीं रहे? तुम्हारे सामने खड़ा नदी के किनारे वाला पेड़ हूँ। इधर देखो, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ बेटी। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लो जादुई लकड़ी का सैंडल घर,
इस घर में तुम्हें कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और तुम और तुम्हारा परिवार इस घर में आराम से रह सकता है और तुम्हें किसी बात की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुम मन में सोचोगी ये तुम्हारे पास होना चाहिए, वो तुम्हारे पास तुरंत मिल जाएगा। क्या सच में आपने तो मेरी सारी समस्या का हल दे दिया, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ और जो लोग अपनी जिंदगी में मेहनत की रोटी कमा कर खाते हैं उनको मैं कभी भी परेशान नहीं देख सकता। इतना कहकर पेड़ वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में खड़ा हो जाता है और श्वेता अपने परिवार के लिए एक जादुई लकड़ी के सैंडल घर को दे देता है, जिसके बाद श्वेता अपने पति और अपनी बेटी शिवानी को लेकर जादुई लकड़ी के सैंडल घर में आ जाती है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। जादुई सैंडल घर से अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे मांगती है और अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाती है और धीरे धीरे शिवानी इंग्लिश सीख लेती है और अपने प्राइवेट स्कूल में बहुत इंजॉय करती है और अच्छे से मन लगाकर पढ़ती है और इस तरह अपनी हंसी खुशी जिंदगी चैन और आराम से जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे नई नई इंटरेस्टिंग जादुई कहानियाँ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। समय पहले की बात है, परीलोक में एक रानी परी राज किया करती थी। रानी परी बहुत अच्छे से अपना शासन चला रही थी। सभी परियां बहुत हंसी खुशी से उस परीलोक में रह रही थी। रानी परी का एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बेटा था, उसका नाम वैभव था। वैभव बचपन में बहुत समझदार और एक होनहार बालक था। बचपन से ही वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और हर कला में निपुण था। राजकुमार कभी भी हार नहीं मानते थे। रानी परी अपने बेटे वैभव को वेदों का ज्ञान भी देती थी। देखो बेटा, हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें सदैव दूसरों की रक्षा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंसानियत होती है। इंसान को हमेशा दया, करुणा और प्रेम से भरा होना चाहिए। राजकुमार अपनी माँ की सभी बातें बहुत ध्यान से सुनते थे और अपने जीवन में उसका पालन भी किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजकुमार अब युवा बन चुके थे और अब उन्होंने अपनी सभी शिक्षा और कला का पूरा अध्ययन ग्रहण कर लिया था। राजकुमार ने निशाना लगाना, तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना सब अच्छे से सीख लिया था। राजकुमार दिखने में बहुत सुंदर थे और सभी उनकी तारीफ किया करते थे और उनका हौसला बढ़ाया करते थे। देखो, हमें लगता है राजकुमार अब बड़े हो गए हैं, अब हमें उन्हें अपने शासन पर बिठा देना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं पिताजी, वैभव अब बड़ा हो गया है, अब हमें उसके ऊपर शासन छोड़ देना चाहिए। पिताजी, तो देर किस बात की, हम कल ही अपने परिलोक में ये घोषणा करवा देंगे कि हम अपने पुत्र वैभव को अपना शासन दे रहे हैं। ठीक कह रही हो बेटी तुम, और मुझे लगता है कि अब हमें वैभव की शादी भी कर देनी चाहिए। अगले दिन राजा ये ऐलान करते हैं कि आज से 6 महीने बाद हम अपने पुत्र वैभव को शासन प्रदान करेंगे और अब वो राजकुमार वैभव की जगह राजा वैभव कहलाएंगे। और हाँ, एक और बात, वैभव का राजतिलक होने से पहले उनका विवाह होना है। पूरे राज्य में उनके विवाह की शहनाइयां गूंज उठी। अगले ही दिन से राजकुमार वैभव के लिए सुंदर सुंदर परियों के रिश्ते आने लगे। इतने सारे रिश्ते आता देख रानी परी बहुत परेशान हो गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे अपनी बहू बनाए। आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए, आप सभी परियों की परीक्षा लीजिए, जो भी परी आपकी परीक्षा में खड़े उतरे उसे अपनी बहू बना लीजिएगा। वैभव बेटा, तुम्हारा सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद रानी परी अपनी दासी परी को बुलाती है। सुनो दासी, सभी परियों को आमंत्रित कीजिए, हम सभी की परीक्षा लेंगे। ठीक है रानी परी जी, जैसा आपको ठीक लगे। दासी पूरे परिलोक में ये घोषणा करवा देती है
कि सभी परियां परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। और अगले ही दिन परीलोक की युवा परियां राजमहल में आती है। सभी परियों ने रानी परी को नमस्कार किया। आप लोगों का हमारे इस महल में स्वागत है। अब सभी लोग हमारे कक्ष में प्रस्थान कीजिए, हम कुछ ही देर में आपसे मिलने आते हैं। सभी परियां कक्ष की ओर जाने लगती है। क्या किसी को पता है रानी परी क्या परीक्षा लेंगी? क्या पता वो हमसे खाना बनवाए या हमसे भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न पूछे। वो हमसे शास्त्र कलाई भी पूछ सकती है। सभी परियां आपस में बातें करती करती पक्ष की ओर जा रही होती है। सभी परियों में एक परी बहुत शांत होती है, जो किसी से कुछ नहीं कहती। वो परी बगीचे में सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे देख रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी परियां राजमहल पहुंच जाती है। महल में पहुंचने के बाद सभी परियां आराम करने लगती है। थोड़ी ही देर में उनके कक्ष में एक दासी आती है। रानी परी ने अपना भेष बदलकर दासी का रूप ले लिया था और वो सभी परियों की परीक्षा ले रही थी। हम आप सभी परियों को अपने इस महल में स्वागत करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आप सभी परियां हमारे युवराज के खुशी पर यहां आई हैं। महारानी थोड़ी ही देर में आपकी परीक्षा लेंगी, तब तक आप लोग यहां पर विश्राम कीजिए। मैं आप सभी के खाने का इंतजाम करती हूं। इसके बाद वहां से दासी चली जाती है। ये सब रानी परी देख रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी परियां आपस में बातें करने लगती है। बातें करते करते उन्हें बहुत देर हो जाती है। रानी परी अभी तक नहीं आई है, लगता है वो बहुत बिजी हैं। क्या पता कुछ देर में आ जाए। सभी परियां आपस में ये सारी बातें कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक परी सबसे अलग थी, जो बाहर जा रही थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। इंतजार करते करते अब शाम हो जाती है। ओहो, शाम हो गई है। क्या हमें यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? शांत हो जाओ। क्या पता रानी परी हमारी यही परीक्षा ले रही हो। थोड़ी ही देर में रानी परी दासी का भेष बनाकर जूस लेकर परियों के पास आ जाती है। अचानक से रानी परी का पैर फिसल जाता है और वो जूस सभी परियों के ऊपर गिर जाता है, जिससे उन सभी परियों की ड्रेस खराब हो जाती है। अरे, अंधी हो क्या? इतने बड़े महल में दासी होकर तुम्हें काम करना भी नहीं आता है? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तूने, अब तुम मुझसे बचने वाली नहीं है। सारी परियां रानी परी बनी दासी को बहुत खड़ी खोटी सुना रही थी। तभी उनके बीच में वही परी आ जाती है। रुक जाओ परियों, ये तुम क्या कर रही हो? उन्होंने ये जूस तुम्हारे ऊपर जानबूझकर नहीं गिराया है, ये गलती से गिर गया है। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी ड्रेस सस्ती है और मेरी ड्रेस महंगी है, तुम इसलिए बोल रही हो? तुम्हें पता भी है मेरी कितनी महंगी ड्रेस है, जिस दासी ने खराब कर दी। अब मैं रानी परी के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मैं इस दासी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जाने रानी परी ने इसे क्या सोच समझ कर रखा था। सही कह रही हो तुम, जैसी रानी परी वैसी दासी। अरे, तुम सभी इतनी छोटी सी बात को लेकर रानी परी को क्यों बीच में ला रही हो और उनके बारे में इतना अनाप शनाप क्यों बोल रही हो? तुम चुप हो जाओ, इतनी देर हो गई है और हमें यहाँ बैठा रखा है सुबह से, और सुबह से शाम होने को आई है, ये तो हमारा अपमान हुआ। ऐसी कौन सी परीक्षा होती है? ये सारी बातें अब रानी परी के बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। तभी रानी परी बोल पड़ती है, वही परीक्षा जिसमें तुम फेल हो गई हो। मैं तुम सभी परियों की परीक्षा ले रही थी। मैं कोई दासी नहीं हूँ, मैं युवराज की माँ हूँ रानी परी। मैं तुम सभी परियों की परीक्षा ले रही थी और अब तुम सब मेरे परीक्षा में फेल हो गई हो, और ये परीक्षा राजकुमारी इंदिरा ने पास की है। मैं मानती हूँ तुम सभी परियां बहुत सुंदर हो, लेकिन मुझे सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमान भी चाहिए और संस्कार भी, जो हमारे इस राज्य पर शासन कर सके और युवराज का जीवन भर साथ दे सके। मैंने अपनी बहू चुन ली है, राजकुमारी इंदिरा बनेगी मेरी बहू। आप सभी परियां अपने अपने घर वापस जा सकती हैं। धन्यवाद। रानी परी की ये बातें सुनकर सभी परियां का मुंह उतर जाता है और वो मुंह लटकाए अपने घर वापस जाने लगती है। यहाँ पर रानी परी ने अपनी होने वाली बहू इंदिरा को सोने का हार पहनाया और अपनी बहू के साथ वापस ढेर सारे तोहफे भेजे। कुछ ही महीनों बाद राजकुमार वैभव का विवाह राजकुमारी इंदिरा से हो जाता है और विवाह के कुछ महीनों बाद युवराज को राजा बना दिया जाता है और अब इंदिरा परी वहाँ के राज्य पर शासन करने लगती है। राजा वैभव और रानी इंदिरा को पाकर पूरा परिलोक बहुत खुश था।
और अब सभी लोग हंसी खुशी से परीलोक में रह रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।